बल्लारपुर में ऋषि पंचमी पर निकली भव्य पालखी शोभा यात्रा। महाराष्ट्र के बल्लारपुर में श्री संत गजानन महाराज सेवा समिति बल्लारपुर की ओर से गजानन महाराज संजीवनी समाधि उत्सव ऋषि पंचमी के पावन अवसर पर भव्य पालखी शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। पालखी शोभा यात्रा में गण गणनाथ बोते की गूंज सुनाई दी। श्री गजानन महाराज की भव्य पालखी शोभा यात्रा की शुरुआत ऋषि पंचमी के दिन सुभाष वार्ड स्थित श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर देवस्थान से हुई। सर्वप्रथम श्री संत गजानन महाराज का मंगलाभिषेक सुबह 6 बजे हुआ। इस समय विधिवत पूजा की गई। श्री की पालखी की विधिवत पूजा और आरती बल्लारपुर के पुलिस निरीक्षक उमेश पाटिल, सीताराम सोमानी, रोहित भाटिया के हाथों की गई। इसके उपरांत श्री की मुखौटा पालकी की परिक्रमा मुख्य मार्ग से निकाली गई। मार्ग भ्रमण करते हुए श्रीराम वार्ड सब्जी मंडी नंदगिरिवार के घर के सामने से गांधी चौक से जोड़ हनुमान माता मंदिर से गांधी प्रतिमा के सामने से कालरी मार्ग होकर श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर देवस्थान में समापन हुआ। पालकी शोभा यात्रा में सम्मिलित श्री गजानन महाराज भक्त महिला पुरुषों ने गण गण गणनाथ बोते का जयघोष किया। आकर्षक झांकी और एक सरीखे परिधान में सम्मिलित भक्तगणों का उत्साह देखते बनता था। शोभायात्रा में ढोल ताशे एवं भजनों के स्वरों ने पूरा परिसर भक्तिमय कर दिया। जगह जगह पर श्री की पूजा की गई। भक्तों की ओर से शीतल पेयजल, लस्सी, चाय आदि की व्यवस्था की गई। 20 सितंबर को ऋषि पंचमी के दिन श्री संत गजानन महाराज समिति द्वारा गजानन पालकी का आयोजन किया गया। ऋषि पंचमी के दिन ये पालकी जो को नाला से होते हुए पंचमुखी हनुमान से निकलते हुए बस्ती विभाग से वापस क्या बोलते आते हुए फिर से पंचमुखी हनुमान मंदिर में इसका समापन किया गया। ये गजानन पालकी का आयोजन पहली बार बल्लारपुर शहर में किया गया। इस तरीके का उत्कृष्ट ऐसा इसको प्रतिसाद मिला है। बहुत भक्तगणों ने इसका लाभ लिया और हर साल इस तरीके की पालकी का आयोजन किया जाएगा ऐसा सेवा समिति के द्वारा सूचित किया गया है। आज दिनांक 20 सितंबर रोजी ऋषि पंचमी निमित्त श्री संत गजानन महाराज सेवा समिति बल्लारपुर तर्फे पंचमुखी हनुमान मंदिर जोकूनाला इथून श्री गजानन महाराजीची पालखी चे पहिल्यांदा आयोजन करण्यात आले। ती पालखी पंचमुखी हनुमान मंदिर ते गांधी पुतळ्यापर्यंत व गांधी पुतळ्या ते परत पंचमुखी हनुमान मंदिरपर्यंत जवळपास 2 ते 2.5 किलोमीटरपर्यंत असे गजानन भक्तासोबत काढण्यात आली। व त्या पालखीमध्ये असं बल्लारपूरमध्ये पहिल्यांदा अशा प्रकारे गजानन महाराजी पालखी काढण्यात आली आणि दरवर्षी पंचमुखी हनुमान मंदिर येथून श्री संत गजानन महाराज सेवा समिती बल्लारपूरतर्फे ही पालखी काढण्यात येणार।